गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 6 डेसिमल एक्सरसाइज 6B एंड दिस इज थर्ड क्वेश्चन। सो गाइस ये बहुत इजी है और हमारे यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम यानी कि बहुत इजी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं और देखते हैं क्या है। रजनी बॉट 11.3 केजी ऑफ एप्पल्स एंड 2.98 केजी ऑफ ऑरेंजेस। व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट She bought। हमें इसमें सिंपली क्या करना है, इसमें रजनी ने क्या करा, रजनी एक गर्ल है तो उसने क्या करा, 11.3 केजी एप्पल्स बाय करे हैं उसने, और उसने 2.98 केजी ऑरेंजेस बाय करे हैं। तो जो एप्पल और ऑरेंज का वेट कितना हुआ, और तो फिर इसने जो खरीदे हैं उनका कितना वेट हुआ। तो गाइस इसमें क्या होगा, अगर हमें टोटल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशन। सो गाइस मैं आपको एक और टिप देना चाहती हूँ कि जो एडिशन होता है वो ऐसे जैसे कि टोटल दिया है या फिर कुछ एडिशनल टोटल, जहाँ पे टोटल होता है ना गाइस वहीं पे ही एडिशन होगा, और जहाँ पे लेफ्ट होता है वहाँ पे माइनस होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। रजनी बॉट एप्पल्स इज इक्वल, कितने एप्पल्स बाय करने उसने, 11.3 केजी स्लैश स्लैश और रन उसने कितने बाय करे, 2.98 केजी। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले ऊपर की डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ पे पीछे केजी लगा देंगे, एंड अब हम इसकी लिखेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर 9.8 लिख देते हैं, दिस इज रॉन्ग वे। तो हमें पॉइंट को पॉइंट की जगह पे ही लगाना है, पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे ताकि हमारे कोई कंफ्यूजन हो ही ना और हमारे कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने पहले पॉइंट पुट करा, फिर जो पॉइंट के बिफोर है उसे पुट कर दिया, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमने केजी लिख दिया। अब हम इसका सम करते हैं बहुत इजीली। सो अब यहाँ पे हमने ये सम लिख लिया, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो फिर हम 8 का 8 लिखेंगे, एंड देन 9+3 टू डेसिमल, एंड देन ऊपर 1 कैरिंग, 2+1 3, 3+1 4, एंड 1 के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे सिंपल 1, और लास्ट में केजी इंपॉर्टेंट। तो इसने टोटल जो एप्पल एंड ऑरेंजेस का वेट है वो है 14.28 केजी। अब आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, तो फिर इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।